आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे एनटीपीसी रीजनिंग का एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो आइए, मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज इस टाइप के क्वेश्चंस को। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकेंड मैक्सिमम लगेगा। तो सबसे पहले बात, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास सर्कल के आसपास न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, 4 + 11 करेंगे। तो 4 + 11 यानी कि 4 + 11 और 5 + 2, 5 + 2, तो 4 + 11 इज 15 और 5 और 2 7, तो 15 - 7 इज 8। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 20 + 10 इज 30 और ये हो जाएगा आपका 6 और 6 और 6 12, 12 13 14, तो 14 माइनस किया तो ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 2 - 1 इज 1 16। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 + 8। आंसर क्या आएगा आपका, 15 + 8। तो 15 + 8 करेंगे यहाँ पे, 15 + 8 करेंगे और माइनस कर देंगे 6 + 3 9 से। गॉट इट, 15 + 8 और -6 3 9 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे 15 + 8 करेंगे तो क्या होगा, 15 16 17 18 19 20, 21 22 23, 23 में माइनस करेंगे हम कितना, 9। अब कैरी फॉरवर्ड 13 हो जाएगा, तो 9 10 11 12 13, यानी कि हमारा यूनिट नंबर जो है वो 4 आएगा। तो यूनिट नंबर 4 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 340। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।